सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। वर्द आपको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट से। आमे फोलिया स्प्रे, ये बहुत बड़ा इशू है। मैंने इस बारे काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ किया लोगों को कि आप फोलियर स्प्रे जो है ये करें। अब इसमें मेरे दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने मेरी बात को एक्सेप्ट तो किया कि वो फोलियर स्प्रे की तरफ आएंगे, लेकिन एक मसला भी साथ आ गया। अब फोलियर स्प्रे में मैंने जिंक रिकमेंड की कि फोलियर स्प्रे में स्प्रे करनी है, तो लोगों ने 33% जिंक का स्प्रे शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा, 33% जिंक का फोलियर स्प्रे नहीं करना। फोलियर स्प्रे के लिए फोलियर खाद इस्तेमाल करनी है, और फर्टिगेट या फ्लड करने के लिए नके पर फ्लड करने वाली खाद इस्तेमाल करनी है, और जमीनी इस्तेमाल के लिए जमीनी खाद इस्तेमाल करनी है। अब फोलियर स्प्रे में मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, दो स्प्रे है, मैं बड़ा वाजे तौर पर यह बताना चाहता हूं। हेडलैंड का जिंक और हेडलैंड का मल्टी, ये फोलियर स्प्रे है, ये वन है और ये टू है। ये मैंने फर्क बताने के लिए ये लिखे हैं। इसी तरह फर्टिगेट, फर्टिगेट करने के लिए या फिर फ्लड करना जिसे हम अपनी जुबान में बोलते हैं, ये फ्लड एक्चुअली दुरुस्त लफ्ज नहीं है, मैं फर्टिगेट लिखता हूं, फर्टिगेट बोलते हैं। इसके लिए सोलोफास मिसाल में दे रहा हूं, या MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट, या फिर सोलो पोटाश, ये तीसरा प्रोडक्ट। तो ये तीन प्रोडक्ट ये फर्टिगेट के लिए हैं। जमीनी इस्तेमाल के लिए आप कौन से प्रोडक्ट हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। जमीनी इस्तेमाल के लिए NP नाइट्रोफास है, DAP है, SOP है, तो ये भी मेरे दोस्तों को पता होना चाहिए, इनको हम जमीन में इस्तेमाल करेंगे। अब एक दोस्त ने सवाल किया कि क्या SOP को फोलियर स्प्रे किया जा सकता है, तो इसको फोलियर स्प्रे नहीं कर सकते। एक दोस्त ने सवाल किया क्या मैं सोलोफास का स्प्रे कर सकता हूँ, सोलोफास का स्प्रे नहीं कर सकते। अब SOP को जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां स्प्रे नहीं कर सकते। ऊपर फर्टिगेट कर सकते हैं क्योंकि SOP फर्टिगेशन के लिए कदरे बेटर है, SOP की फार्मुलेशन फर्टिगेशन के लिए आ जाती है। तो मेरे दोस्तों ये कुछ वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्प्रे को हमने फोलियर में लेके आना है। अब फोलियर में चार स्प्रे तो कंफर्म मैंने बता दिया आपको, ये आपने जमीन में इस्तेमाल नहीं करने, ये आपने फर्टिगेट नहीं करने, इनको फोलियर में आपने लेके आना है। और ये मेरा कोई जाती फार्मूला नहीं है या मेरे ऊपर कोई नया इल्म नाजल नहीं हो गया, ये कंपनी की मुतफिका राय है, और कंपनी ने इसके प्रॉब्लम की वजह से इनके ब्रांड भी मुतारफ करवाए, ये कोई ख्वाब नहीं है या ये कोई नई चीज नहीं है, ये मार्केट की ही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात सिर्फ ये है, हर कोई अपनी अपनी बात को तरजीह देता है। मार्केट के बंदे ने अपनी मार्केटिंग करनी है, सेल करने वाले ने अपनी चीज सेल करनी है, उसकी सेल का डिफरेंट होगी। व्यूज ये है वो चार फर्टिलाइजर जिनको आप कभी भी जमीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते।